आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सोमवार को नगर परिषद राजपुर द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर परिषद कर्मचारी, भाजपा कार्यकर्ता, शिक्षक, छात्र छात्राएं और नगर के आम जनों ने सम्मिलित होकर हाथों में तिरंगा लेकर आजादी के अमृत महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। तिरंगा यात्रा नगर परिषद से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, त्रिवेणी मंदिर, गुजरी चौक, इमलीपुरा सहित नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ पूरा शहर गूंज उठा। भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी ने कहा कि आज तिरंगा यात्रा निकालकर देश के लिए शहीद हुए वीरों, योद्धाओं और याद किया गया है। इस मौके पर तिरंगा यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी, मंडलाध्यक्ष जीतू यादव, नगर परिषद अध्यक्ष शिखा विजय अग्रवाल, नगर परिषद उपाध्यक्ष आकाश बर्मन, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय अग्रवाल, सीएमओ चंद्रकांत जैन, पार्षद प्रतिनिधि कमल जिराती, पार्षद तोताराम धनगर, पार्षद कालू पटावा, पूर्व पार्षद अब्दुल राजक मोटू सहित बड़ी संख्या में स्कूल छात्राएं और नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट। आज हमारे राजपुर शहर में हमारे गांव के, नगर के गणमान्य नागरिकगण, सभी पार्षद और सभी जनपद के हमारे सदस्य, सभी समाजसेवी लोगों ने नगर के प्रमुख मार्गों पर तिरंगा यात्रा निकाली, उन अमर बलिदान शहीदों को याद किया जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी की इस महालड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी और नगर के वासियों से आह्वान किया कि हमारे घर पर एक एक तिरंगा अवश्य लगाए, जो हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान है, हमारे देश की पहचान है, अमिट पहचान जो कभी ना मिटने वाली है, और दुश्मन देश को इस बात का संकेत दे कि हमारे हर एक घर पर झंडा देखकर दुश्मन देश के कांप जाए, उनके ज़मीन से, उनके पाँव के नीचे की ज़मीन हिल जाए, और कल जो स्वतंत्रता दिवस हम मनाने वाले हैं उसको पूरे हर्षोल्लास से मनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी मंडल राजपुर की ओर से सभी देशवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।